नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और शतरंज का आनंद उठा रहे होंगे। खैर दोस्तों, आज एक बार फिर मैं हरी कृष्ण का गेम लेकर के आया हूं, पेंटाला हरी कृष्ण का, जो कि पोलिश लीग में एक और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। आपको याद होगा कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब आपसे कह रहा था कि अभी भी एक मैच चल रहा है और हरी कृष्ण अच्छी पोजिशन में है। वो मैच हरी कृष्ण ने जीत लिया और बेहद शानदार अंदाज में जीता। एक बार फिर पीस सेक्रीफाइस दिया, तीन चार पॉइंट्स ली। आज भी देखने में मजा आएगा किस तरह से हरी कृष्णा खेल रहे हैं। ये एक दिखा रहा है कि कितना आत्मविश्वास उनके अंदर आ चुका है। खैर सबसे पहले एक नजर डालते हैं उनकी रेटिंग पर, तो 11.5 ऊपर से नीचे कर देख लीजिए। क्लासिकल चेस में सबसे फिलहाल जो बढ़त हासिल कर रहे हैं वो हरी कृष्णा, इस नए रेटिंग जब से रेटिंग लिस्ट जारी हुई है सिर्फ हरी कृष्णा जो है वो अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि 2757 अंक पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि आनंद से उनका फासला जो है अब वो सिर्फ और सिर्फ 8.5 अंक का रह गया है। मतलब विश्वनाथ आनंद जी और हरिकृष्णा सिर्फ 8.5 अंक का फासला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ल्ड कप के ही मैं अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे हरिकृष्णा और जरूर बिकॉज आनंद तो खेलने नहीं वाले हैं फीडे स्विस टूर्नामेंट तक, तो वो जो होगा स्विस होगा, स्विस ओपन होने वाला है, वो होने वाला है वर्ल्ड कप के बाद। तो हरे कृष्णा के पास एक मौका होगा कि वो शानदार प्रदर्शन करते हुए रेटिंग में विश्वनाथ आनंद जी को क्रॉस करें या उनके पास भी पहुंच जाएं, वर्ल्ड टॉप 10 में एंटर करें और भारत के लिए ऐतिहासिक होगा अगर आनंद और हरे कृष्णा दोनों शीर्ष 10 में पहुंच जाते हैं। खैर ये मैच आखिरी मैच था पोलिश लीग में हरे कृष्णा का और इसके बाद हरे कृष्णा वर्ल्ड कप नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे जो कि 10 तारीख से मुकाबले शुरू हो रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं हरी कृष्णा के इस मुकाबले में कैसे उन्होंने मात्र 29 चालों में जीत दर्ज की है। तो दिखा रहा है कि उनमें कितना समझ है रॉयल ओपिज में, कितने अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो सेंजेन मास्टर्स टूर्नामेंट हो चाहे फ्रेंच लीग टूर्नामेंट हो, वो हमेशा रॉयल ओपिज में बहुत अच्छे परिणाम ला रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आपने देखा होगा कि मैग्नस कार्लसन भी उनके बारे में बातें करते हुए नजर आए हैं। देखते हैं। खैर e4 e5 knight f3 knight c6 ओपनिंग नॉर्मल बिशप d5 a6 रॉयल ओपिज ओपनिंग बिशप a4 नाइट f6 यहाँ पर कैसल किया लाइन चूज की बिशप e7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं खेलने के, c3 d4 d3 बहुत सारे, आप सभी जानते हैं कि रॉयल ओपिज में कितने ऑप्शन आते हैं। तो चूज किया रुक e1 लाइन। अब हरिकृष्णा चलते हैं b5। हरिकृष्णा जो भी लॉजिकल है वो काम कर रहे हैं, हमने कल भी देखा था लॉजिकल चेस खेल रहे हैं इस समय और अपने बेसिक्स पर रह रहे हैं और उन्हें पता है कि जैसे अपोनेंट गलती करेगा कैसे उसका फायदा लेना है। बिशप b3 और यहाँ पर हरे कृष्णा कैसल कर लेते हैं। अब आप जरा पोजीशन को देखें तो ब्लैक के हिसाब से ब्लैक ने काफ़ी कुछ सॉल्व कर लिया है। ये पॉन जरूर आगे आएगा इस बिशप के लिए कहाँ पर, या तो बिशप b7 से खेलेगा या इस डायगोनल पर खेलेगा, ये ब्लैक को भी तय करना है। तो अगर वाइट उस स्ट्रक्चर में कहीं से पॉन ब्रेक देने की कोशिश ना करे तो यहाँ पर ब्लैक को वाइट को काफ़ी कुछ डिसाइड करना है। ये तीन मोहरे जो हैं अभी भी पूरी तरह से बंद हैं और इनका बाहर आना बाकी है। तो यहाँ पर क्या वाइट सेंटर से खेलेगा c3 d4 करके या क्वीन साइड से खेलेगा, कैसे वाइट खेलने वाला है, तो या किंग साइड की कुछ तैयारी करेगी, इसके लिए हरे कृष्णा जो है वो उसके हिसाब से जवाब देंगे। यहाँ पर उन्होंने खेला a4, ये लाइन काफ़ी खेली गई है, करवाना और डिंगलीरेन के बीच भी इसी साल इस लाइन में मुकाबला हुआ था। b4 स्टैंडर्ड रिप्लाई है जो इस लाइन में कि हमको अभी फिलहाल हम ओपन करके पोजीशन में इस किसी भी मोहरे को जो है फायदा नहीं देना चाहते। ओके b5 पे चले गए हैं निश्चित तौर पर। यहाँ पर जब भी आप c3 करेंगे एक नाइट के तो स्क्वायर को फिलहाल ब्लॉक किया हुआ है, तो b5 समाओ की अभी डिले कर रहे हैं, वाइट को ही जो करना है वो करने देना है, ब्लैक कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पर। a5 ठीक है, बट आप देखिए जितने भी ऐसे मूव्स हो रहे हैं अपोनेंट की तरफ से यहाँ पर आप देखिए कि वो मोहरे नहीं निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो हरी कृष्णा से चाहते हैं कि वो भी डिसाइड करें कि ये बिशप कहाँ जाएगा, ये पॉन का पोजीशन क्या होगा और आगे कैसे हैं। तो यहाँ पर हरी कृष्णा का जो अगला रिप्लाई है d6, उन्होंने स्टैंडर्ड रिप्लाई किया, एक बार फिर एक मोहरा और बाहर निकाला c3। अब c3 के बाद अब आप फिर से देखिए यहाँ पर एक बार नजर डालिए कि लगातार जो भी तीन चार मूवें हो रही हैं, पिछली मूव देखिए तीन चार मूवें देखिए जब से उन्होंने कैसल कंप्लीट किया है वाइट ने, आप देखिए कि वो जो तीन मोहरे हैं उनकी तरफ वाइट का कुछ भी यहाँ पर नहीं चल रहा है। जो भी चल रहा है वो उन्होंने कोशिश की ओपन करने की, हमने क्लोज किया a5 किया, स्पेस लिया यहाँ पर बोर्ड पर,
ब्लैक जबकि आप देखिए ब्लैक की सारे मोहरे ऑलमोस्ट रेडी हैं, सारे बाहर आ चुके हैं, सिर्फ बिशप का बाहर निकलना बाकी है, जबकि अभी भी व्हाइट के जो तीन मोहरे हैं वो अंदर हैं। ओके, व्हाइट के पास एडवांटेज स्लाइट बेटर हमेशा रहेगा क्योंकि पोजिशन अभी ओपन नहीं है, पोजिशन क्लोज है पूरी तरीके से, तो वन मूव का एडवांटेज। यहाँ पर हरिकृष्णा ने खेला रुक भी है, डेफिनेटली आइडिया जो है जब आपने C3 किया है तो डेफिनेटली B2 और B3 स्क्वायर थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, तो रुक B8 एक आइडिया। फ्यूचर में आगे आगे भी आपको समझ में आएगा कि रुक B8 का क्या फायदा है, वो आने वाली कुछ चालों में समझ में आएगा। तो इस डायगोनल पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो इस बात को भी ध्यान रखते हुए रुक B8 एक अच्छा चाल है। ओके, बिशप C4 और ये सारा स्टैंडर्ड चाल है, स्टैंडर्ड थ्योरी, आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे इन लाइन में यहाँ पर। अब यहाँ पर जो अगली चाल हरिकृष्णा खेलते हैं वो थोड़ा कम खेला गया है, H6। जी हाँ, हरिकृष्णा अभी भी कमिट नहीं कर रहे हैं इस बिशप को लेकर कुछ भी, और इंतजार कर रहे हैं कि अपोनेंट कैसे खेलेगा यहाँ पर। तो H6 एक मूव आया, और अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मोहरों का ना निकलना ये अच्छी बात उनके अपोनेंट के लिए नहीं है। उनके अपोनेंट ने भी रिप्लाई किया H3, बट यहाँ पर वो शायद तैयार नहीं थे हरिकृष्णा की एक अच्छी चाल के लिए जो कि इससे पहले भी कुछ मुकाबलों में खेली गई है, ठीक है, पर हरी यहाँ पर थोड़ा और इम्प्रूव हुआ इस गेम में। Knight into E4। जी हाँ, आप देखिए Rook into E4 तो आप मार नहीं सकते, वरना D5 ये गेम ही लॉस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक ही चाल नज़र आती है, Bishop D5, और ऐसा नज़र आता है कि एक मोहरा चला गया सीधे सीधे, आप कैसे बचाएंगे, दो पीसेस पे अटैक है, दोनों पीसेस हैंगिंग है, और पहली नज़र में देखने में ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ इमीडिएटली नहीं हो रहा है। क्वीन भी अभी अंदर ही है, आप बहुत कुछ तो कर नहीं सकते, बिशप भी अंदर बैठा है अभी तो फिलहाल। लेकिन इस पोजीशन में हरिकृष्णा की जो स्टडी थी Knight into F2। अब आप देखिए, हमने एक पॉन तो पहले यहाँ पे लिया है, एक पॉन ये लिया है और फिर दूसरा पॉन ये लिया है, ठीक है, मोहरा दे रहे हैं, तो यहाँ पे किंग ने मारा और ये ले लिया तीसरा पॉन, मतलब नाइट दे के तीन पॉन लिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अभी काम क्यों कर रही है, पीस पीस होता है ये मानते हैं, लेकिन क्योंकि ये मोहरे अभी नहीं खेल रहे और किंग का पोजीशन भी वीक कर दिया हमने, किसी भी पोजीशन में अगर आप समझें कि उनके पांच मोहरे अभी भी पहले रैंक पे बैठे हुए हैं और सिर्फ दो माइनर पीस बाहर हैं, ये इनफ है रीजन कि आप एक सेक्रीफाइस मार के दो तीन पॉन ले लें और राजा को कमजोर कर दें, ये इनफ का मतलब, ये बहुत है ये कारण। ओके, उन्होंने खेला C into B4 C6। यहाँ पर C6 बहुत अच्छा चाल है, आप यहाँ पे देखिए कि Rook into A5 नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि C6 के बाद आप देखिए फिर से क्वीन जो है वो A5 पर अटैक कर रहा है C6, और यहाँ पर अगर आप वापस जाएंगे तो ये डेफिनेटली ब्लैक के लिए अगेन बेटर है, ठीक है। उन्होंने खेला C into B4, तो अगली चाल आई वाइट की तरफ से, ब्लैक की तरफ से, हरिकृष्णा की तरफ से, फिर से गुड मूव टेम्पो लेते हुए C6। जी हाँ, ओके, उन्होंने खेला Bishop A2 बचाए, अगर यहाँ पे मारते फिर से तो ये ब्लैक के ही फेवर करेगी, मतलब स्लाइड एडवांटेज है ब्लैक को, भले ब्लैक पीस डाउन है, ओके, क्योंकि तीन पॉन अप है। ओके, तो यहाँ पर खैर उन्होंने खेला Bishop A2, हरिकृष्णा ने खेला Rook into B4, और यहाँ तक इससे पहले जितने भी मैच हुए हैं अधिकतर जो खेला गया है वो खेला गया है D4, बहुत ज़्यादा मैच नहीं हुए, 4-5 मैच ही हुए हैं, और ये मैच आगे चला है कुछ इस तरीके से, चेक G3, Bishop E7, Knight A3, E into D4, और बाद में मुकाबला ड्रॉ हो गया। आप देख सकते हैं कि पास पॉन निकलने के चांसेस रहेंगे, दो दो पास पॉन सेंटर से निकलेंगे जरूर, तो ये मुकाबला ड्रॉ हुआ है, 2300 के खिलाड़ी हैं, 2300 के दोनों खिलाड़ी थे, 2016 में ड्रॉ हुआ है किसी के बीच। लेकिन यहाँ पर इंस्टेड ऑफ D4 यहाँ पर उनके विरोधी ने खेला, उनका नाम है निकलस हुचेन बेथ, अगर नाम गलत लूँ तो मैं नहीं जानता क्योंकि बहुत कठिन नाम होते हैं कई बार, और मेरी अंग्रेजी शायद इतनी अच्छी नहीं है, कई बार प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है। ओके, D3, अब D3 मतलब D4 से तो पोजीशन कम से कम ओपन हो रही थी, तो ब्लैक क्या, वाइट क्या चाह रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से आउट ऑफ प्रिपरेशन हो चुके थे ऑलरेडी हरिकृष्णा के अपोनेंट, और ये दिख भी रहा है उनके समय के दबाव में भी आने लग गए थे, ये दिख रहा था कि यहाँ के बाद उनको नॉलेज इस पोजीशन पे है नहीं, और हरिकृष्णा की काफ़ी अच्छी स्टडी नज़र आ रही थी, एक स्टडी विन हुई है कल, आप देखेंगे बहुत ही आराम से कंफर्टेबली जीते हैं, ऐसा लग रहा था कि पीस दिया नहीं है, उन्हें पता है सब कुछ आगे कैसे होने वाला है, कहीं ना कहीं क्रैमनिक के गेम से कुछ लगता है, मतलब हरिकृष्णा कभी कभी कुछ गेम देखकर क्रैमनिक की याद आती है, वो क्लासिकली जिस तरीके से आउटप्लेट करते थे अपने अपोनेंट को, और आप देखिए पीस सेक्रीफाइस दिया हुआ है, इमीडिएटली कोई चेक वैक नहीं आ रहा है, कोई चेक आ रहा हो कि कुछ सेक हो गया हो, आप देखिए अभी तो मोहरे भी तैयार नहीं लग रहे हैं ब्लैक के अटैक करने के लिए, लेकिन सफिशियंट मटेरियल ले लिया, तीन पॉन ले लिया, और आप वाइट का स्ट्रक्चर देखिए,
चार पॉन आइलैंड हैं, एक ये अलग है, ये पॉन अलग है, ये दो पॉन एक साथ हैं, तो काफी कुछ एंड गेम में परेशानियां आने वाली हैं। दो बिशप जरूर हैं, लेकिन उसको निष्क्रिय करने के लिए हमारे पास भी दो बिशप है। तो स्थिति जो है, और राजा की स्थिति खासतौर पे आप तुलना कर लीजिए तो सफकाली की स्थिति काफी बेहतर है। ओके, बिशप एच फोर, यहाँ पे शायद नाइट इन टू एच फोर मार देना चाहिए, क्वीन एच फोर, किंग जी वन, इसको थोड़ा इक्वल पोजिशन ही एनालिसिस में समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर उनके विरोधी ने खेल दिया G3, मतलब किंग को और कमजोर किया, बदला और मौका दिया बिशप को इम्प्रूव करने का। अब आप देखिएगा हरिकृष्णा की आदत की कैसे वो अपने मोहरे इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिए बिशप एच फोर चेक, और विद द टेम्पो अपोनेंट को थोड़ा सा कमजोर करते हुए अपने पीस को इम्प्रूव किया, या डेफिनेटली यहाँ पे वो कैप्चर कर सकते थे, चूंकि नहीं किया तो पीस इंप्रूव कर लिया, अभी आप देखेंगे आने वाली कुछ चालों में। पर अब यहाँ से ब्लैक व्हाइट के ऊपर प्रेशर नजर आ रहा है साफ, क्योंकि अब ये जो पॉन है सेंटर के वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और अभी तक देखिए ये तीन मोहरे घर पर बैठे हुए हैं। ओके, King G2, किंग को इम्प्रूव किया यहाँ पर Queen B6 जैसे किसी भी थ्रेट से अवॉइड करते हुए। तो हरिकृष्णा ने अपना आखिरी पीस जो ऑलमोस्ट काम नहीं कर रहा था रुक को भी सेंट्रलाइज कर दिया। ओके, और पॉन को बैकअप दे रहे हैं पीछे से। अब अपोनेंट ने एक बार फिर खेला, यहाँ पर निकलस ने नाइट Rook E4 खेला। यहाँ पर जरूर Queen C2 बेहतर चाल हो सकती थी, यहाँ पर थोड़ा समन्वय बेहतर रखते हुए रुक को पीछे रखते हुए मोरों पर निकलने की तैयारी, बट ओके Knight C3 Queen D7 इस तरह से भी मैच चल सकता था, क्योंकि H3 पर आप देखेंगे प्रेशर रहेगा। खैर यहाँ पर उन्होंने खेला Rook E4, तो मतलब एक ही पीस बार बार चल रहा है, तीन पीस अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे वाई ब्लैक जो है एक मोहरा दिया हुआ है, लेकिन सारे मोहरे खेल रहे हैं, ब्लैक के तीन मोहरे अंदर है, इसका मतलब एक प्रकार से जैसे ब्लैक जो है फिलहाल टू पीस अप है, क्योंकि जब आपके मोहरे खेल नहीं रहे हैं तो उसकी कहानी जो है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता वहाँ पे। Rook E4, तो रुक वापस आया Rook B8 पर, Knight Rook A4 खेला अब यहाँ पर। यहाँ पर भी Knight C3 जरूर खेलना चाहिए था, क्योंकि मैं कहूँगा आपको बार बार कि पीस पीस होता है, पूरा पीस है, अगर यहाँ पर उनके जो विरोधी है निकलस वो पूरे मोहरे बाहर निकाल लेंगे तो हरिकृष्णा को इतना आसान नहीं होगा जीतना। लेकिन आप देखें कि नुकसान कैसे हुआ उनको, वो मोहरे नहीं निकाल रहे थे और एक ही मोहरे से सब कुछ करना चाह रहे थे। तो अभी आपने देखा था कि कैसे हरिकृष्णा ने ये बिशप इम्प्रूव किया था, अब उन्होंने ये नाइट इम्प्रूव कर लिया, क्योंकि नाइट वैसे भी कॉर्नर पर कुछ नहीं कर रहा था, अपना काम कर चुका था। तो Rook A4 जाके अब आपने ये Knight G7 जाता है, दिक्कत यह है कि आप यहाँ पर Rook A6 नहीं मार सकते। अब आप देखिए रुक थोड़ा सा आउटसाइड हो गया है, और Queen D7 के बाद आप Knight G1 अगर जाएंगे तो E4 जो ब्रेक है वो आपकी पोजीशन खराब कर देगा, और आप देखिए तीन ये मोहरे खेल नहीं रहे हैं और ये डिसकोऑर्डिनेट है, इनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और यहाँ पर जबकि ब्लैक के पीसेज जो है वो किंग साइड के टुवर्ड्स तैयार नजर आ रहे हैं अपनी पोजिशन को बेहतर करने के लिए। अगर यहाँ D E4 तो Knight C5, तो ये गेम तो खत्म हो जाएगा। तो Rook A6 आप जब मार नहीं सकते तो ये जो चाल आपने चली Rook A4 ये खराब हो गई, क्योंकि ब्लैक ने तो अपना पीस इंप्रूव कर लिया। हरिकृष्णा के गेम में ये काफी नजर आ रहा है बार बार, कैसे वो पोजीशन को होल्ड करते हैं और फिर अपने मोहरों को लगातार इंप्रूव करते हैं। ये जो है ये मुझे लगता है बड़ा बदलाव है हरिकृष्णा के अंदर। Bishop E3, ओके फाइनली अंत में एक तो निकला कम से कम एक मोहरा यहाँ पर, लेकिन देर थोड़ी सी हो गई है इनको आने में, क्योंकि ब्लैक पूरी तरह से तैयार है। ओके D5, Knight B D2, एक और मोहरा निकला फाइनली, पर ब्लैक की जो आप पोजीशन देखिए, उसके पीस का सेटअप देखिए, बहुत अच्छा हो चुका है नाइट। और ये रुक देखिए, ये रुक कहाँ पे था, ये रुक यहाँ पे था किंग के हाँ यहाँ पर Bishop B3 भी एक चाल हो सकती थी। खैर, और मैं कह रहा हूँ कि ये रुक को देखिए, रुक कहाँ पे था, ये रुक इधर था, किंग के को हेल्प कर सकता था, सेंट्रल में मदद कर सकता था, ये रुक कहाँ पे देखिए और क्या कर रहा है, कुछ नहीं। ओके सो Knight B3, अब ये जो चाल थी ये एक बड़ा ब्लंडर साबित हुई, क्योंकि अब आप देखिए एक प्रकार से फिर से ये मोरों को डिस्कनेक्ट कर दिया और हैंगिंग पीसेस करके रखती है, दो पीसेस जो है वो हैंगिंग है यहाँ पर, Bishop E3 और Rook A4। किसी भी पोजीशन में अगर आपके मोहरे बार बार हैंगिंग पोजीशन में आ रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई भी मोहरा किसी मोहरे के सामने बैठा हुआ है बिना रीजन के, कोई खास आपको फायदा नहीं मिल रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और यहाँ पर आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं, बहुत शानदार मोबाइल, क्योंकि आप देखिए राजा के आसपास मोहरों की काफी कमी नजर आ रही है। हरिकृष्णा ने खेला E4 और पोजीशन को तोड़ दिया, अब आपके पास ज़्यादा चालें नहीं हैं। अगर आप D E4 जाते हैं तो Knight E4, Rook B1, और ये जो पोजीशन आप देखिए बहुत कुछ हैंगिंग है यहाँ पर, और पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सेंटर पर, दो पास पॉन निकालने की तैयारी है। Rook B1 ऑलमोस्ट फोर्स और पोजीशन थोड़ा सा भी आप कर सकते, पर यहाँ पर उन्होंने खेल ठीक था ये, फिर भी Knight F D4, तो ये और ख़राब हो गया उनके लिए। क्यों, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो C5, और इसके बाद जैसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया हरी कृष्णा ने निकलस को, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर नाइट जो है पूरी तरह से ट्रैप नजर आ रहा है। जैसे नाइट C6 शायद ये चाल होने लगा कि आएगी, लेकिन ये मिस हो गया यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए ये हैंगिंग है पीस। और खास तौर पे ये जो बिशप क्वीन की बैटरी है किंग के ऊपर जो आक्रमण कर रही है, फॉर एग्जाम्पल नाइट B8, तो देखिए क्वीन H3, किंग को हटना होगा, चेक, किंग पीछे अगर जाता है तो ED3, आप देखिए बिशप हैंगिंग है, अगर आप बचाने आते हैं तो इस तरह से ब्यूटीफुल मेट भी हो सकती है क्वीन G1 से। खैर मैच में ऐसा नहीं हुआ। नाइट C2 अगर जाते तो भी आप देखिए E2 D3, दो दो पीस हैंगेंगे, आप कैसे दो दो को बचाएंगे, क्वीन को लेकर के आएंगे तो C4 आ रहा है। तो ये जो पॉन इतने ज्यादा हैं अगर आ रहे हैं सेंटर से, हमेशा याद रखिए अगर सेंटर पे अपोनेंट के पॉन बहुत ज्यादा हैं और आपके माइनर पीसेस बहुत ज्यादा आसपास हैं, ये कभी भी अच्छी बात नहीं है इस तरह की पोजीशन में। और यहाँ पर जो टेम्पो लूज कर रहे हैं बार बार, उसका रीजन है क्योंकि मोहरे नहीं खेल, ये जो रुक को लेकर के आए A5 A4 पे, बिलीव यकीन मानिए ये मुझे लगता है गेम की सबसे खराब निर्णय था उनके अपोनेंट का, वहां पर मोहरे जरूर निकालने चाहिए थे। अब यहाँ पर Nf d4, यहाँ पर जवाब दिया C5 के बाद Nc5 मारा उन्होंने, नहीं गए नाइट को नहीं हटाया, लेकिन यहाँ से एक जो है गेम खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि अगली चाल आई Rb2 check, किंग को बचाइए, अभी किंग को बचाने जाएंगे। ठीक है, काफी कुछ हैंगिंग है यहाँ पे, देखिए यहाँ से लेके सब कुछ हैंगिंग नजर आ रहा है मुझे, तो हर पीस हैंगिंग है, किसी पर ज्यादा सपोर्ट नहीं है, क्वीन का सपोर्ट कभी भी काम का नहीं होता। तो ये जो स्थिति है वो बहुत ही खराब स्थिति है उनके विरोधी की। आप एक मोहरा आप हैं, लेकिन अगर आपके मोहरे खेल ही नहीं रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हरिकृष्ण बहुत अधिक बढ़त बना चुके थे। E2 D3, आप फिर से देखिए बिशप हैंगिंग है, और अकेला बिशप हैंगिंग नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। अगली चाल आई Nc4, अब फिर से बिशप पर अटैक है, तो अगर आप मारने जाते हैं D·C4, Qe·C4 पर तो सिंपल Re·E3 है, और अगर आप Qe·C3 वगैरह जाते हैं तो Qe·D5 check से गेम खत्म हो जाएगा। खैर उन्होंने खेला यहाँ पर Re·E1, सपोर्ट लगाया बिशप को, लेकिन बहुत देर होती जा रही थी, क्योंकि आप देखिए अभी ये नाइट हैंगिंग है, बहुत ही आसान चाल है भी, मैं कहूंगा हरिकृष्णा जैसे खिलाड़ी के लिए ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। Qd6, अब किसको किसको आप बचाएंगे यहाँ पर। फाइनली उन्होंने खेला Ne4, हरिकृष्णा ने खेला Re·E4, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस मैच की जहां तक बात करें, आप हरिकृष्णा के अपोनेंट बहुत खराब खेले, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि हरिकृष्णा की समझ जो है वो अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी की जैसे बन चुकी है, और हरिकृष्णा पूरी तरह से तैयार है वर्ल्ड Top 10 में जाने के लिए। तो ये अंतिम मुकाबला था वर्ल्ड कप से पहले हरिकृष्णा का, इसके बाद हरिकृष्णा सीधे वर्ल्ड कप में नजर आएंगे, भारत के शीर्ष खिलाड़ी होंगे वहां पर, तो पूरी नजरें हरिकृष्णा के प्रदर्शन पर रहेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर Top 10 में जगह बनाएंगे हरिकृष्णा, और भारत के लिए विश्व कप से बड़ी खबर लेके आएंगे। विश्व कप पर हमारा भी बड़ा कवरेज चलेगा, हर दिन आपको समरी मिलेगी देखने के लिए, साथ ही साथ कुछ जो भी खास मुकाबले होंगे उन पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही साथ एशियन टूर्नामेंट चल रहा है, अभी दिल्ली में चालू हो गया है वेस्टर्न एशियन, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं अपने सुझाव में, लिखते रहिए, देखते रहिए चेस स्पेस इंडिया, सुनते रहिए मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद। चेस स्पेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।